Hello everyone, I am Archana Jain, Principal Designer of AVJ Creative Studio by Vikram Jain. आपने हमारे वीडियोस को काफी अप्रिशिएट किया है, उस वजह से हमें नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है. So thank you so much. Let's continue with part 2 of Mr. Goyal's residency, जिसमें आज हम देखेंगे किचन, रूम्स और रिमेनिंग एरिया के डिटेलिंग के बारे में. ये स्टार्ट करने से पहले, let's have a look of part 1's quick bite. हमारा पैसेज है जो हमारे रूम्स को और किचन को कनेक्ट करता है. यहाँ पे आप सीलिंग में देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बैटन्स लगाए हुए हैं और उसको भी ये आर्क शेप दिया हुआ है. सेम काइंड ऑफ बैटन हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है और ये बैटन के बीच में हम पीवीडी स्ट्रिप्स लगाने वाले हैं यू शेप में. सो ये पूरा अच्छे से आर्क क्रिएट होगा. दिस वन इज आवर किचन. यहाँ पे किचन में यहाँ पे हमने ये पार्टीशन दिया हुआ है क्योंकि इसी के एग्जिट पीछे की तरफ हमारा फ्रिज आ रहा है और फ्रिज की साइड हमें दिखानी नहीं थी, इसलिए ये पार्टीशन बनाया है. ये पार्टीशन को हमने सीएनसी में कट करके एमडीएफ को बनाया है. सेम पैटर्न जो एब्स्ट्रैक्ट का है वो हमने मंदिर के डोर के ऊपर लिया था, सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ किया है और इसके बीच में फ्लूटेड ग्लास दिए हुए हैं. अब देखते हैं हमारा किचन. किचन प्लेटफॉर्म के लिए हमने कॉर्ड्स यूज़ किए हैं, सेम कॉर्ड्स हमने ये वाले वॉल्स पे भी लिया हुआ है और इस तरफ का जो वॉल है इसके ऊपर हमने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लू कलर के शेड्स में है. यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेज दिया हुआ है और बीच में हमारा फाइबर का चिमनी आने वाला है. नीचे की तरफ क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रॉलीज का डिज़ाइन किया हुआ है और ये सारे ट्रॉलीज हमारे हैटीज ब्रांड के हैं. किचन में इस तरफ जो है यहाँ पे फ्रिज का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रिज आने वाला है. उसी के बाजू में यहाँ पे लॉन्ग टॉल यूनिट दिया हुआ है और ये वाले जो सेक्शन है यहाँ पे हमारे सारे किचन रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आएंगे, जैसे कि ओवन, ओटीजी, उसके लिए ये वाला यूनिट क्रिएट किया है. इस तरफ हमने और एक एक्सेस दिया हुआ है डाइनिंग में जाने के लिए, जब गेस्ट है या कुछ भी हो तो ये और एक एक्सेस है किचन के लिए और इसको प्राइवेसी देने के लिए स्लाइडिंग डोर है जिसपे अगेन सेम हमने जो पार्टीशन पे डिज़ाइन किया हुआ है सेम डिज़ाइनिंग किया हुआ है और फ्लूटेड ग्लास लगाया है. इस तरफ ड्राई बालकनी है. अभी वहाँ पे काफ़ी सारा स्टफ पड़ा है तो वो आप हमारे फाइनल वीडियो वॉक थ्रू वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे फिनिश होते हुए. सो प्लीज़ ट्यून टिल द एंड और हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा. ये किचन में हमने वर्किंग ट्रायंगल का अच्छे से ध्यान रखा हुआ है. यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे हॉब आएगा एंड यहाँ पे फ्रिज आएगा, तो हमारा वर्किंग ट्रायंगल भी बहुत अच्छे से क्रिएट हो रहा है. ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ एज अ प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं और इस तरफ से ब्रेकफास्ट टेबल की तरह भी इसका यूज़ होने वाला है. किचन का डिज़ाइन हमने यूरोपियन स्टाइल में किया हुआ है, जो ये डोर के पैनल के ऊपर से आपको आइडिया आ सकता है. इसके सारे शटर्स भी इसी टाइप में हमने डिज़ाइन किए हुए हैं. इसको ग्रे कलर का शेड लिया हुआ है और पीयू ड्यूको से फिनिश किया हुआ है. अब हम देखेंगे हमारा मास्टर बेडरूम. सो दिस वन इज़ आवर मास्टर बेडरूम. यहाँ पे बेड लिया हुआ है. बेड की वॉल के वॉल में हमने यहाँ पे कुशनिंग दिया हुआ है, साथ ही में यहाँ पे ग्रूव में डिज़ाइन किया हुआ है पैनलिंग को. और इस रूम के लिए हमने एक्वा ब्लू कलर लिया हुआ है पेस्टल सीरीज़ का, जिसको पीछे की तरफ पैनलिंग में लगाया हुआ है. इस रूम के लिए हमने वाइट, एक्वा ब्लू और साथ ही में हमारा यूरोपियन विनियर, ये सबका कॉम्बिनेशन लिया हुआ है. ये सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा टीवी आने वाला है. इसी के ऊपर की तरफ यहाँ पे टाइल्स लगाए हुए हैं. अभी ये सब कुछ हमने पैक करके रखा है क्योंकि पेंट का काम चल रहा है. अदरवाइज़ यहाँ पे विनियर लगाया हुआ है. नीचे की तरफ स्टोरेज दिया हुआ है और यहाँ पे स्टडी टेबल है. स्टडी टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुकशेल्फ्स दिया हुआ है. इसी के साथ नीचे की तरफ कैबिनेट डिज़ाइन किया हुआ है और इस तरफ हमारा बालकनी था
जो अभी हमने रूम के साथ इनक्लोज कर लिया है। सो ये रूम हमको बड़ा चाहिए था। उनकी वाइफ आर्टिस्ट है तो उनको ये वाला स्पेस थोड़ा सा एम्प्टी चाहिए था, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाला स्पेस हमने थोड़ा एम्प्टी रखा हुआ है। ये रूम का बाकी का जो भी फिनिशिंग है या जो भी क्या मटेरियल यूज़ किया है, कैसे डिज़ाइन किया है, वो आपको हमारे वॉक थ्रू वीडियो में दिखाई देगा। सो हमारा वॉक थ्रू वीडियो प्लीज़ देखिएगा। इस रूम में यहाँ पे ये वाला जो वॉल है वो पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ इसके पीछे हमारा वॉकिंग वार्डरोब कम वॉशरूम है। यहाँ पे उनकी जितनी भी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफ़िल की है। यहाँ की तरफ हमने वार्डरोब्स दिए हुए हैं, साथ ही में ड्रेसिंग यूनिट है, और इस तरफ वॉशरूम है, वॉश बेसिन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्टोरेज का प्लेस दिया हुआ है। सो दिस इज़ आर वॉशरूम कम वॉकिंग वार्डरोब। ये एरिया अभी काफ़ी मेसी है, मैं आपको इसके डिटेलिंग भी नहीं बता पा रही हूँ और आपको डिज़ाइनिंग भी समझ में नहीं आ रहा है। सो हमारा वॉक थ्रू वीडियो बहुत ही जल्द हम अपलोड करेंगे। सीलिंग सिंपल रखा हुआ है, COB लाइट्स दिए हुए हैं, साथ ही में LED लाइट्स भी दिए हैं, और यहाँ पे कैसेट AC, वन वे कैसेट AC लगाया हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, VRF सिस्टम पे है, और फ़ैन के लिए रॉड भी लग गया है। सिर्फ अब हमारा ऊपर का पेंट फिनिश होना बाकी है, एक बार वो फिनिश हो गया तो ऑलमोस्ट दिस रूम इज़ डन। सो पिंक एंड ब्लू, दिस वन इज़ आर किड्स रूम। इस कलर के इस रूम के लिए हमने कलर थीम लिया हुआ है बेबी पिंक ब्लू विथ आर यूरोपियन डाइड विनियर। यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको नॉर्मल साइज बेड और उसी के साथ बंग बेड भी चाहिए था, तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि नॉर्मल साइज बेड दिया हुआ है, और साथ ही में यहाँ पे एक बंग बेड डिज़ाइन किया हुआ है। इस बंग बेड को ऊपर की तरफ रेलिंग आने वाला है, और इस तरफ हमारा एक स्टेयर्स दिया हुआ है जिसके ड्राइंग्स आप यहाँ पे 3D व्यू में देख सकते हो। किड्स रूम होने की वजह से स्टडी टेबल इज़ द मस्ट, सो यहाँ पे स्टडी टेबल दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुकशेल्फ बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आपको ये विनियर का पैनल दिख रहा है, दिस इज़ नॉट ओनली अ पैनल, इसके पीछे विंडो है जो इस तरह से स्लाइड होता है। अभी नीचे पेपर वगैरह लगा हुआ है इसलिए ये थोड़ा हार्ड जा रहा है, बट बाद में ये एकदम स्मूथली ऑपरेट होगा। यहाँ पे जो पैनलिंग है ये सारे MDF में है, और उसके अंदर हमने ग्रूव में डिज़ाइनिंग किया हुआ है, और यहाँ पे भी हमने हमारा आर्क शेप यूज़ किया हुआ है, जैसे कि ये वाला कॉर्नर आर्क में किया हुआ है, स्टडी टेबल का ये वाला पोर्शन आर्क में डिज़ाइन किया हुआ है। दिस इज़ आर विंडो, नेचुरल लाइट के लिए यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे से है। यहाँ पे हमने इनविजिबल ग्रिल लगाया हुआ है बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीज़न। ये फुल बॉडी टाइल है, यहाँ पे फुल हाइट कर्टन आने वाला है जो हमने बहुत ही ब्यूटीफुली कस्टमाइज करके लिया हुआ है। उसके ऊपर का डिज़ाइनिंग वगैरह किड्स रूम को रिलेटेड रखा हुआ है जो हमारे नेक्स्ट वॉक थ्रू वीडियो में आपको दिखाई देगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये वाला जो विंडो के आगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है, दिस इज़ अ फ्रेम काइंड थिंग जो पूरा विनियर में लिया हुआ है। सो ये भी हमारा वॉक थ्रू वीडियो में आपको अच्छे से दिखाई देगा कि क्या थीम है। ये जो पैनलिंग किया हुआ है इसके पीछे भी स्टोरेज दिया है, और साथ ही में ये वार्डरोब्स है जिसके शटर के ऊपर का काम चल रहा है इसलिए इसको निकाल के रखा है। सेम वे यहाँ पे ट्रॉलीज दी है, शेल्व्स दिए हुए हैं, हैंगिंग के लिए स्पेस दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ डेड लॉफ्ट है। यहाँ पे अभी ये पूरा पैक है, बट यहाँ पे हमारा मिरर आने वाला है जो प्रोफाइल के अंदर मिरर आएगा, साथ ही में इसके अंदर नीशेस में हमने स्टोरेज दिया हुआ है रिलेटेड टू आर मिरर। सो एंड हाँ, दिस वन इज़ अ वॉशरूम एरिया, ये किड्स को अटैच वॉशरूम है जिसमें हमने चेकर स्टाइल यूज़ किए हैं। इस तरफ वॉश बेसिन आएगा, और इस तरफ हमारा शॉवर एरिया एंड WC है। तो यहाँ पे ये जो टाइल का सिलेक्शन किया हुआ है हमने वो रूम के कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए किया है। इस चेकर टाइल्स में भी आपको दिखेगा पीच ब्लू, लाइटर शेड ऑफ ग्रे, ये सारे हैं, सो वो हमारे रूम को रिलेटेड है। सो अब हम हमारे पैसेज में वापस आए हैं।
यहाँ पे जो है वो वॉशरूम है, जो कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। और मेरे पीछे की तरफ आपको जो एम्प्टी प्लेस दिख रहा है, ये वाला हमारा फोर्थ बेडरूम है, गेस्ट रूम। सो ये रूम हमने कैसे डिज़ाइन किया है वो आपको हमारे लेआउट में दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आप पैनलिंग देख रहे हो, इसका कलर कॉम्बिनेशन हमारे लिविंग रूम जैसा ही सेम कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी लिया हुआ है, क्योंकि ये लिविंग रूम से कनेक्टेड एरिया है। यहाँ पे भी हमने वाइट में ग्रूव में डिज़ाइनिंग किया हुआ है। और इस तरफ हमारा किड्स रूम का डोर है। ये पीछे की तरफ आप देख रहे हो, ये वाला फुल बॉडी टाइल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे बे विंडो दी हुई है और इसी के नीचे स्टोरेज है। और यहाँ पे हमने सिटिंग के लिए प्लेस क्रिएट किया हुआ है। ये वाला जो पैनलिंग है वो सिर्फ पैनलिंग नहीं है, इसके साथ ही हमारा फोल्डिंग बेड है, जो हमारे मिस्त्री आपको अभी दिखाएंगे। ये फोल्डिंग बेड आप देख सकते हो, बहुत ही इजीली एक हाथ से भी ये ऑपरेट कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इजी टू यूज। इस एरिया को जब हमें रूम में कन्वर्ट करना रहता है, इसके लिए यहाँ पे हमने पैनलिंग में डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके लिए ये सिंक्रोनाइज फिटिंग लगाया हुआ है जो बॉस कंपनी का है। और इसके अंदर ये ऊपर ट्रैक दिख रहा है, इसमें सारे ये पैनल्स लग जाते हैं और ये पूरा रूम हम क्लोज कर सकते हैं। ये फिटिंग अभी तक प्रॉपरली फिक्स नहीं किया हुआ है, सो मैं आपको ये अभी नहीं दिखा सकती हूँ। ये आप हमारे वॉक थ्रू वीडियो में देख पाएंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। यहाँ पे भी हमने कैसेट एसी दिया हुआ है वन वे। और इस तरफ जो पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे मिरर है। सो दिस वन इज़ आर गेस्ट रूम। होप यू लाइक आर एक्सपेरिमेंटल वीडियो। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप पहली बार हमारे ये वीडियोज़ देख रहे हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसी साइट के वॉक थ्रू वीडियो के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब हम इसको अपलोड कर रहे हैं। एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू।